हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल्स क्रिएटिव कॉर्नर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ कि घर पे मैंने किस तरह बेडशीट और सिराने का कवर बहुत ही आसान तरीके से बनाया, कितना सुंदर है मेरा बेड लग रहा है ना फ्रेंड्स। इस बेडशीट बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मेरे पास एक्चुअली पुराने कपड़े होते हैं ना, जो कि अपने सारीस है, दुपट्टा है, उन्हीं की मदद से मैं यहाँ पे इस प्यारी से बेडशीट और ये सिराना जो मैं पहले सी के आपके साथ शेयर कर चुकी थी। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका पूरा सेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह मैंने इसको तैयार की हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मेरे सारे वीडियो सबके तक पहुँचे। तो इस तरह मेरे पास मेरा बेड पे ही एक्चुअली नाइट टाइम शूट कर रही थी ना, तो इस तरह थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस तरह एक पुरानी सी मेरी बेडशीट बिछा के रखी थी। तो इस पे मेरे पास ये दो तरह के कपड़े हैं, ये तो लेग्रा का है और ये पॉलिस्टर का है। ये वाला तो मैं मेरी बेटी के बर्थडे पे टेबल क्लॉथ पे बिछाई थी ना टेबल पे, तो वो वाला था। ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा था, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। तो ये दो कपड़ों को मैं इस तरह बेड की लंबाई पे रख के, जितना मुझे लंबाई चाहिए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख के मैंने कट कर दी हूँ, दो भी सेम पीसेस। और इसको मैं यहाँ पे बीच में हाफ लंबा में कट करके इस तरह मैं इसको स्प्रेड करके रखी हूँ। अभी बस ये दोनों के बीच में मैं सिलाई कर देती हूँ। सिलाई इस तरह करूँगी कि क्योंकि ये लेग्रा का कपड़ा जो है इस पर सिलाई होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो सिलाई में इसको थोड़ा फोल्ड करके पॉलिस्टर के कपड़े के बीच में रख के फोल्ड करके इसको सिलाई करूँगी, जो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना प्यारा सा एक अच्छा सा सेट इसका बन गया है। और इसको फिनिशिंग से मैं सिलाई करके ले लेती हूँ। देख सकते हैं मैं सिलाई कर दी हूँ। सिलाई किस तरह की हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट मैंने बीच का पार्ट सिलाई की हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह मैंने फोल्ड करके सिलाई की हूँ, कुछ इस तरह देख सकते हैं, इस तरह फोल्ड करके मैं सिलाई की हूँ ताकि लेग्रे पे अच्छे से सिक्योर रहे। और मैं क्या करूँगी, चारों बॉर्डर मैंने सिलाई नहीं की थी, चारों बॉर्डर मैंने एक्स्ट्रा ली थी ना, तो चारों बॉर्डर को भी थोड़ा सा इस तरह बारीक सा मोड़ के पाइपिंग के टाइप में मैं इसको भी सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर दी। गादी पे परफेक्टली ये फिक्स हो गया है, ये हिलेगा नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सा ही काटा था। तो कितना प्यारा ये लग रहा है, इतना सिंपली में ये बन जाता है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये सिराना मैं आपको शेयर भी की थी कि इस तरह मैंने पुराने कपड़ों से सिराना बनाया था। तो इसी के कपड़े मेरे पास थोड़े से पीसेस बचे थे ये बेडशीट के, तो इसी को सेम एज इट इज़ इस तरह ही कट करके इस पर मैंने कवर सील दी हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये गादी का सेट जो है बेडशीट और पिल्लो केस तैयार हो गया है मेरा, कितना प्यारा ये लग रहा है फ्रेंड्स। तो आपको ये कपड़ों को रीयूज़ करके घर पे बेडशीट बनाना कितना आसान है ना फ्रेंड्स, ये तो मार्केट से भी सुंदर लग रहा है मुझे। अगर आपको पसंद आया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, सारी सारे कपड़े हर चीज़ का रीयूज़ मैं करती रहती हूँ, मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस भी चेक कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में नए DIY नए क्रिएटिविटी के साथ मिलती है फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।